अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए जिस गन का रिव्यू लेके आए, ये एक रशियन AK-47 है, डबल बॉडी। उसको कन्वर्ट किया गया है 44 बोर में, उसमें बोर किया गया है। तो इसका रिव्यू देखते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिनकी उम्रें 25 साल से कम है, वो इन वीडियो को ना देखा करें, क्योंकि लाइसेंस की जो एज है वो 25 साल रखी है गवर्नमेंट ने ना। तो जिनकी कम है वो इन चीज़ों का शौक़ ना ही करें तो बेहतर है। और मेरा ना असले की लेन देन से कोई तल्लक नहीं है, तो अगर किसी को लेनी हो तो हर ज़िले में दुकानें बनी हुई हैं, उधर से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको सस्ती गन्ने लेनी है तो आप बेहतर है कि आप उधर पेशावर में चले जाएँ। पेशावर कारखानों मार्केट है और दरा आदम खेल है, जिधर मर्ज़ी आप चले जाएँ तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो आप गन के ऊपर बात करते हैं, एक दफ़ा गन का आप डेमो देख लें, फिर बात करते हैं डिटेल में ना। ये जी बहुत ज़्यादा रफ गन है, ये हमारे पास काफ़ी अरसे से है। ये जब ना ये इसके लाइसेंस बंद थे AK-47 के, उस वक्त हमने ली थी, उस वक्त इसकी गोलियां भी अच्छी आती थी, तो उस वक्त ये काफ़ी सस्ती आई थी इसके, उस वक्त रेट भी बहुत ज़्यादा कम थे और ये बहुत अच्छी गन है चलने में। इसमें सिर्फ एक ही मसला है, जो इसमें गोलियां होती हैं वो ओरिजिनल नहीं होती। इसमें फोल्डिंग है, वो भी हमने उतार दी हुई है, बाकी ये ओरिजिनल गन है। तो एक दफ़ा वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी सेफ्टी चेक कर लेते हैं। सेम इसका जो मैगजीन खाली है, लेकिन फिर भी बुलेट चेक देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल खाली है, ठीक हो गया। तो इसका मैकेनिज्म ही बिल्कुल AK-47 की तरह ही है, जिस तरह उसका होता है। इधर ये लॉक हो जाती है, इधर इसका फुल ऑटो है, और इधर इसका एक एक निकालती है सिंगल, जिस तरह AK-47 का होता है। लेकिन जो 44 बोर है इसके, जो लाइसेंस के ऊपर होती है, इसमें सिंगल ही होती है, क्योंकि ये लाइसेंस के ऊपर गन है, तो इसमें जो ऑटो कॉक सिस्टम है वो नहीं है। एक दफ़ा गन को अंदर से ओपन करके भी देख लेते हैं। सेम इसका खोलने का तरीका AK-47 की तरह ही है। ये इसका टॉप कवर होता है, इसके बाद ये इसका स्प्रिंग होता है AK-47 की तरह ही। ये इसका बोल्ट होता है, बड़ा बोल्ट, ये भी आप देख लें, बहुत अच्छी कंडीशन में गन है। और अगर आपने साइलेंसर ओपन करना हो इसका, तो इसको ऊपर करें तो ये भी खुल जाती है। मेरे ख्याल में मेरे हाथों को तेल लगा, इस वजह से ना मेरे थोड़ा मुश्किल होगा, तो अब मैं इसको नहीं खोल रहा। बंद करने का भी इसको तरीका यही है कि ऐसे रखें और जगह के ऊपर प्रेस करें तो खुद ब खुद ये प्रेस हो जाएगा। इसके बाद ये इसका स्प्रिंग है, रिकॉइल स्प्रिंग, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, इधर इसकी जगह बनी हुई प्रॉपर, ये पीछे खुद ही आ जाएगा, जगह के ऊपर रखना है। इसका ये टॉप कवर है, इसको भी इधर से प्रेस करके ऐसे करें तो ये बंद हो जाएगा। तो जो इसकी रेंज प्लेट है, ये वाली जो रेंज प्लेट है इसकी, बिल्कुल AK-47 की तरह है, क्योंकि ये AK-47 ही है, उससे कन्वर्ट किया गया है। इसमें वैसे जो गोली है दूसरी भी जल जाती है AK-47 के, अगर आप चलाएं तो 800 मीटर तक जी इसकी इफेक्टिव रेंज लिखी हुई है। ये मेरे ख्याल में इसको चाइना का लगा हुआ है, मुझे अब कन्फर्म नहीं है चाइना का ये दूसरा है। बाकी इसका ये भी उतारा हुआ है, जिस भाई किया उसने ये भी उतारा हुआ है। तो इसमें एक ही मसला है, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो गोली होती है वो ओरिजिनल नहीं मिलती। पहले जो गोली थी, आज से 4-5 साल पहले, वो G3 से काट के बनाते थे, क्योंकि आजकल G3 की गोली बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इस वजह से इसकी जो गोली है लोकली मार्केट में बन रही है। तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए, जो प्राइस है इसकी, ये AK-47 ही लेते हैं डबल बॉडी में या सिंगल बॉडी में, और वो लेते हैं इस तरह जो जिसकी कंडीशन बिल्कुल रफ़ हो गई हो, वो मतलब उसमें क्लाशन की गोलियाँ थोड़ी मुश्किल चलती हों, उसकी नाली चल चल के ना बहुत ज़्यादा बारीक हो गई हो, उस तरह की 70-80-60-70 हज़ार की गन आ जाती है, और 10-15 हज़ार के उसमें बोर हो जाता है 20 हज़ार रुपये में। ये तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें, 90 हज़ार 95 हज़ार तक एक अच्छी कंडीशन में गन मिल जाती है। ये बहुत अच्छी गन है भी सेम टू सेम AK-47 की तरह, लेकिन इसमें यही मसला है कि इसकी गोलियां नहीं मिलती। इसकी ना गोलियां मिलती हैं जो ओरिजिनल नहीं मिलती इसकी, इसकी सारी दरा मेड गोली होती है, और जो दरा मेड गोली है उसकी जो प्राइस है तकरीबन 40-45-35, जहाँ कोई बंदा फंस से वो ले लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम कोई और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
बहुत शुक्रिया।